यहाँ पे हॉस्टल का क्या माहौल रहता है, मेस का खाना किस टाइप का रहता है, आपको कैसा लगता है मेस का खाना? यहाँ पे सीनियर और जूनियर में किस प्रकार से माहौल रहता है, क्या यहाँ पे सीनियर रैंकिंग लेता है क्या, यहाँ पे क्या फुलफिल कर पाएगा यहाँ के पढ़ाई एग्जाम को लेकर या अपने करियर बनाने को लेकर? टेंगो से कंप्लीट किए हैं। टेंगो से कंप्लीट किए हैं, वहाँ पे आपका कौन सा ब्रांच था? वहाँ पे मेरा मैकेनिकल ब्रांच था। ओहो, तो आप मैकेनिकल से यहाँ आके सिविल लिए हैं, ऐसा क्यों? हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल योर शो। तो दोस्तों, आज हम गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज किशनगंज के हॉस्टल में पहुंच रहे हैं। तो यहां के स्टूडेंट से जानेंगे उनके लाइफ स्टाइल के बारे में, कॉलेज में स्टडी के बारे में, मेस के बारे में और बहुत सारी जानकारियां आप लोगों को इस वीडियो में मिलने वाला है। जैसे कि आप लोगों को मैं बता दूं कि इंजीनियरिंग कॉलेज वैशाली का वीडियो आप लोगों के पास पहुंचा तो बहुत सारा प्यार मिला। तो इसी सीरीज में मैं नेक्स्ट लाया हूं जीसी किशनगंज का। अगर आप जीसी वैशाली वाला वीडियो को नहीं देखें तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां से जाके आप लोग देख सकते हैं। तो चलिए, आज हम आप लोगों के जीईसी किशनगंज के स्टूडेंट से रूबरू कराते हैं और आप लोग लगातार बने रहिएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल चलिए मैं आप लोगों को इनसे रूबरू कराता हूँ। सर, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपका नाम जानना चाहूंगा, आपका नाम क्या है? मेरा नाम रवि प्रकाश भारती है। रवि जी, आप कहाँ के रहने वाले हैं? हम मधुबनी डिस्ट्रिक्ट के रहने वाले हैं। मधुबनी डिस्ट्रिक्ट का आपका ब्रांच और कौन सा ईयर आपका है ये? मेरा सिविल ब्रांच और मेरा ये सेकंड ईयर है। सिविल ब्रांच और सेकंड ईयर, आप बताइए रेगुलर से आए हैं कि एली से आए हैं? हम एली से आए हुए हैं। एली से आए हैं, तो अच्छा आप ये बताइएगा कि गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज के कैंपस में आपको कैसा अनुभव हुआ? जब हम यहाँ पे आए थे तो लगा कि ये किशनगंज है, यहाँ का माहौल उतना अच्छा नहीं रहेगा, लेकिन यहाँ पे कुछ दिन रहने के बाद हमको पता चला कि यहाँ का माहौल जितना अच्छा है वहाँ इससे अच्छा माहौल हमको कहीं नहीं मिला। तो हम बहुत ही अच्छा माहौल है यहाँ का, एक पढ़ाई का माहौल जो होता है वो हमको यहाँ पे किशनगंज में आकर के देखने को मिला है। यहाँ का लाइब्रेरी, यहाँ का प्रिंसिपल सर और यहाँ का जो स्टूडेंट है उसके अंदर का जो जुनून यहाँ का पढ़ने का वो बहुत ही ज्यादा यहाँ पे है, और उससे हम लोगों को प्रेरणा मिलती है और उससे हम लोगों को कुछ सीखने को भी मिल रहा है। अच्छा, यहाँ का टीचिंग स्टाफ यानी कि जो सर पढ़ाते हैं और नॉन टीचिंग स्टाफ यानी कि जो सर पढ़ाते नहीं ऑफिशियल वर्क करते हैं, उन लोगों का बिहेवियर किस टाइप का रहता है यहाँ? उन लोग का बिहेवियर भी हम लोग के प्रति बहुत ही अच्छा रहता है। जो भी काम होता है हम लोग का एकेडमिक से रिलेटेड वो भी बहुत जल्दी सॉर्ट आउट हो जाते हैं। चलिए, आपको हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। तो जैसे कि आप लोग देख चुके हैं कि रवि जी से हम आप लोग रूबरू कराए, तो चलिए अब हम आप लोगों को नेक्स्ट स्टूडेंट से रूबरू कराने जा रहे हैं। तो सर, फर्स्ट ऑफ ऑल आप अपना नाम बताइएगा। मेरा नाम दीपक कुमार। तो दीपक जी, आप कहाँ के रहने वाले हैं और कौन सा ईयर में और आपका ब्रांच कौन सा है? हम गया जिला के रहने वाले हैं। हाँ। मेरा सेकंड ईयर, थर्ड सेम। ओके, आपका ब्रांच सिविल। आप रेगुलर से या आप एली से आए? हम एली से आए। तो एली में आप कहाँ से पॉलिटेक्निक कंप्लीट किए थे? हम अपना पॉलिटेक्निक कैमूर से कंप्लीट किए हैं। कैमूर से कंप्लीट किए हैं, वहाँ पे आपका कौन सा ब्रांच था? वहाँ पे मेरा मैकेनिकल ब्रांच था। ओहो, तो आप मैकेनिकल से यहाँ आके सिविल लिए हैं, ऐसा क्यों? ऐसा मेरा मन था सिविल में जाने का। हाँ, आपका मन था इसलिए। तो आप लोगों में बता देना चाहता हूँ कि अगर आप डिप्लोमा अदर ब्रांच से किए हैं और आपका मन है कि आप अदर ब्रांच इंजीनियरिंग में चूज कर सकते हैं तो आप बेशक ले सकते हैं। लेकिन इसके साथ साथ मैं आप लोगों को एक बात और बताना चाहता हूँ कि देखिए, अगर आपका पॉलिटेक्निक में कोई दूसरा ब्रांच है और इंजीनियरिंग में दूसरा ब्रांच लेते हैं तो आपको आगे चलकर बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। लेकिन आपका मन है, आप जो कर सकते हैं, इसके लिए फ्रीडम है। तो अच्छा, यह बताइएगा कि यहाँ के कॉलेज कैंपस में यहाँ पे स्पोर्ट्स का क्या माहौल रहता है? यहाँ पे कॉलेज कैंपस में हमें हर एक साल स्पोर्ट फेस्ट कराया जाता है। हाँ। उसमें बहुत सारे स्टूडेंट पार्टिसिपेट करते हैं, पार्टिसिपेट करने वाले को बहुत प्रकार के ट्रॉफीज भी मिलते हैं। अच्छा, डेली वेज में स्टूडेंट यहाँ पे कौन कौन सा खेल खेलते हैं? डेली वेज में यहाँ पे हमारे अकेडमी के अंदर बैडमिंटन कोर्ट लगा हुआ है, वहाँ पे बैडमिंटन खेलते हैं। हाँ। जो आप लोगों को अगले स्टूडेंट से मिलाने जा रहे हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सर, आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम राजकुमार। तो राज जी, आप कहाँ के रहने वाले हैं?
हम भागलपुर डिस्ट्रिक्ट से रहने वाले हैं। भागलपुर से हैं आप? रेगुलर से हैं या एली से हैं? हम एली से हैं। एली से हैं। डिप्लोमा कहाँ से किए थे? हम झारखंड साहिबगंज से किए। झारखंड साहिबगंज से किए हैं। अच्छा, आप ये बताइएगा कि यहाँ का मेस का माहौल क्या रहता है? यहाँ पे खाना में कितना हाइजेनिक रहता है, कितना साफ सफाई रहता है, और मेस में स्टाफ कैसा है, किस तरह से बिहेव करते हैं? मेस ठीक है, खाने लायक ठीक है। अब बिहेव तो बहुत बढ़िया है, मेस का स्टाफ का बिहेव बढ़िया है। और हाइजेनिक की बात किया जाए कि कितना साफ सुथरा रखकर खिलाते हैं, इसमें क्या बोलना चाहेंगे? साफ सुथरा रहता है, लेकिन कभी कभी गंदा रहता है, तो काम चलाना पड़ता है। काम चला। अच्छा, मेस का खाना किस टाइप का रहता है, आपको कैसा लगता है मेस का खाना? मेस का खाना नॉर्मल है, चलने लायक है। चलने लायक। अच्छा, आपको रेटिंग करना हो 10 में कितना रेटिंग दीजिएगा इसको? रेटिंग कितना बता सकते हैं? फाइव रेटिंग। यानी कि मेस का रेटिंग 5 रहता है, यानी कि आप समझ सकते हैं कि मेस जहाँ भी हो मेस का वही हाल होता है। हॉस्टल लाइफ में तो ऐसा चलता ही है। हाँ, हॉस्टल लाइफ में तो ऐसा चलता ही, काम चलाने लायक ही मिलेगा। चाहे तो आप कोनो कॉलेज में दाखिला ले लें, आपको मेस में ऐसा ही खाना खाने को मिलेगा। तो आपको हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए, आप लोगों से नेक्स्ट स्टूडेंट जो कि कैलसी में कुछ कैलकुलेट कर रहे हैं, उनसे हम बात करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, आपका नाम क्या हुआ सर? हरिओम सर। हरिओम जी, आप कहाँ के रहने वाले हैं? मधुबनी जिला। मधुबनी से। आपका यहाँ कौन सा ब्रांच में एडमिशन हुआ है और कौन सा सेमेस्टर है? मेरा थर्ड सेमेस्टर है, सेकंड ईयर, और सिविल इंजीनियरिंग से एडमिशन लिया है। एली या रेगुलर से? एली से। एली से। आप कहाँ से डिप्लोमा कंप्लीट किए थे? गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक अररिया। अररिया से आप डिप्लोमा किए थे कंप्लीट, कौन सा सेशन था? 18-21। अच्छा, आप ये बताइएगा यहाँ पे हॉस्टल का क्या माहौल रहता है? हम बताना चाहते हैं, जैसे हम बिहार में इतना सारा हॉस्टल है, इंजीनियरिंग कॉलेज का, जो 3 कॉलेज का हमको पता है, उस सब के कंपेयर में अपना जो हॉस्टल है किशनगंज का, वो काफी अच्छा है। किस वे में? मतलब इन्वायरमेंट से, इन्वायरमेंट में, और पढ़ने का माहौल भी यहाँ रहता है, क्योंकि यहाँ पे जितना सारा स्टूडेंट है। अच्छा, यानी कि यहाँ पे ज्यादा डिस्टर्बेंस नहीं होती है? डिस्टर्बेंस नहीं होता है, और आप शाम की घूमने भी जाते हैं, बहुत अच्छा घूमने वाला है। और साइड एरिया घूम सकते हैं, साइड में महानंदा रिवर है, वहाँ जाके भी आधा घंटा आप टाइम स्पेंड कर सकते हैं, इन्जॉय कर सकते हैं फ्रेंड्स के साथ। हम आप लोग को एक बात और ऐड करना चाहेंगे, इन्हीं के बात को ऐड ऑन करना चाहेंगे कि ये जो है गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज किशनगंज, वो महानंदा नदी के किनारे बना हुआ है। तो आपको अगर मूड फ्रेश करना है, मन को ताजगी लाना है, तो आप शाम में आप जाकर महानंदा नदी के किनारे जाकर घूम सकते हैं, वहाँ पे आपको बेटर फील होगा। तो आपको हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, तो नेक्स्ट स्टूडेंट से आप लोगों को रूबरू कराते हैं। तो सर, फर्स्ट ऑफ ऑल आपका नाम क्या हुआ और कहाँ के रहने वाले हैं? मेरा नाम रोशन राज है, बेगूसराय डिस्ट्रिक्ट के रहने वाले हैं। रोशन जी, आपका एडमिशन यहाँ रेगुलर से हुआ या एली से हुआ? लेटर से एडमिशन लिए। आपका कौन सा कॉलेज था डिप्लोमा में? डिप्लोमा मेरा गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज दरभंगा था। वहाँ पे आपका कौन सा ब्रांच था? सिविल। सिविल था। कौन सा सेशन में आपको कंप्लीट किए थे अपना डिप्लोमा? 1922 में कंप्लीट किए थे। अच्छा, आप ये बताइएगा रोशन जी, यहाँ पे एकेडमिक में जाते हैं तो आपको ये बताना होगा आपका एक्सपीरियंस क्या है कि यहाँ पे टीचिंग के बारे में, यहाँ पे किस टाइप से पढ़ाई होती है, और क्या फुलफिल कर पाएगा यहाँ के पढ़ाई एग्जाम को लेकर या अपने करियर बनाने को लेकर? जी, यहाँ का माहौल तो बहुत सही है, टीचरों में पूरा सपोर्ट करता है, और सब लोग भी तो अच्छे से बात करते हैं, प्यार से बात करते हैं, क्लास भी डेली चलता है, टीचर लोग सब अच्छे से पीएससी से करके आए हैं, तो पढ़ाई भी बहुत अच्छा ही होता है। और करियर को बारे में तो इस माहौल को देख के तो कह सकते हैं कि यहाँ पढ़ाई भी हो रहा है तो करियर भी अच्छा बन पाएगा। कॉलेज में प्लेसमेंट वगैरह भी अच्छा दिया जाता है, कॉलेज में सारा सुविधा दिया जा रहा है, प्लेइंग का सुविधा है, मेस में भी ठीक ठाक दिया जा रहा है। तो ओवरऑल अभी बिहार में जितना भी इंजीनियरिंग कॉलेज है, ज़्यादा से तो नहीं है मेरा कॉन्टैक्ट, लेकिन जितना से कॉन्टैक्ट है उसमें ये तो थोड़ा प्लस में ही है। प्लस में ही है। अच्छा, यहाँ पे पढ़ाई किस टाइप से होता है? देखिए, एक दिन में 50 मिनट का एक क्लास चलता है, और लंच से पहले तक 4 क्लास चलता है, लंच के बाद लैब होता है। लंच के बाद लैब भी होता है। यहाँ पे कौन कौन ब्रांच इस कॉलेज में है? अभी तक तो 4 ब्रांच था, सिविल, मैकेनिकल, डबल, लेकिन इस बार से 2 ब्रांच और ऐड हुआ है। एक सीएस ब्रांच है, और एक और सॉफ्टवेयर से रिलेटेड ब्रांच है। अच्छा, प्रत्येक ब्रांच में कितना सीट होता है? 60 स्टूडेंट का सीट है। 60 स्टूडेंट का सीट होता है।
हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो अब हम आपके चहेते कैमरा पर्सन से कुछ बात करने वाले हैं, तो कैमरा पर्सन से कुछ बात करेंगे। आइए कैमरा मैन इधर बगल में आ जाइए। नाम क्या हुआ? मेरा नाम समीर कुमार हुआ। समीर जी, आप किस ब्रांच में एडमिशन लिए हैं और कहाँ के रहने वाले हैं? मेरा घर पटना डिस्ट्रिक्ट में हुआ और मैं यहाँ सिविल इंजीनियरिंग से बीटेक कर रहा हूँ। कौन सा ईयर आपका? मेरा सेकेंड ईयर है, थर्ड सेमेस्टर। एली है, रेगुलर से? एली से है। यहाँ जितना भी स्टूडेंट था एली से ही एडमिशन लिए थे। अच्छा, आप ये बताइएगा कि यहाँ पे सीनियर और जूनियर में किस प्रकार से माहौल रहता है? कि यहाँ पे सीनियर रैगिंग लेता है, क्या यहाँ पे जूनियर जो है बदमाशी करता है? सीनियर जूनियर के रैगिंग के माहौल से नज़र से देखे तो दोनों का माहौल तो ठीक ठाक ही रहता है। नहीं ज़्यादा सीनियर रैगिंग लेते हैं, जूनियर हम लोग जूनियर भी नॉर्मल तरीके से रहते हैं, सीनियर नॉर्मल तरीके से रहते हैं। दोनों को रिस्पेक्ट, सीनियर जूनियर दोनों को रिस्पेक्ट करते हैं। जो रूल रहता है वो रूल बस फॉलो करना रहता है और ज़्यादा कुछ नहीं करना है, बस नॉर्मल माहौल है यहाँ का। सीनियर जूनियर का ज़्यादा कुछ करने करने का बस गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग बस ये बोलना है, ज़्यादा कुछ नहीं करना। यानी बीस करने का, बस बीस करने का माहौल यहाँ पे रहता है। अच्छा, कभी आप लोगों को सीनियर के द्वारा टॉर्चर किया गया है? नहीं, सीनियर जो है तो टॉर्चर उर्चर नहीं किया गया है, बस वही बताया गया, सिखाया गया कि बस ये करना है वो करना है, बस वही बोला गया बीस उस करते रहो, बस यही। कभी आप लोगों को कॉमन कॉल हो चाहे तो ग्राउंड हो, यहाँ पे आप सभी लोगों को जूनियर को एक साथ बुलाकर खड़ा किया गया है? खड़ा किया गया नहीं, उतना तो नहीं किया गया, बस एक आध बार बोले गए हैं कि कुछ कुछ बताने के लिए, इन्फॉर्मेशन देने के लिए, बस यही सब बोलने के लिए सीनियर जूनियर को बुलाया जाता है और वही बताया जाता है, कुछ सिखाया जाता है। मैक्सिमम कितना नाइट तक आप लोगों को खड़ा किया जाता है? अगर खड़ा किया जाता है तब मैक्सिमम जब मतलब जब हम लोग का फ्री टाइम रहता है उस टाइम बुलाया जाता है, सीनियर लोग बोलते हैं कि आ जाओ अपना जितना फ्री टाइम है, बस वही बात करके अपना जो बोला जाता है बोल दिया जाता है, बोल के अपना करते हैं कि जाओ अपना पढ़ाई स्टडी जो करना करो। तो आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे सीनियर जूनियर किस टाइप से माहौल रहता है। देखिए आप लोग, मैं बता दूँ, जब आप लोग इंजीनियरिंग कीजिएगा तो आप लोग को रैगिंग नाम यहाँ पे नहीं लेना है, लेकिन उसी टाइप से कुछ होता है, आपको इंट्रो दिवाया जाएगा, आपसे बीस करवाया जाएगा, यानी कि ठीक ही किया जाता है, डिसिप्लिन आप लोग को सिखाया जाता है। लेकिन कभी कभी उग्र हो जाते हैं सीनियर तो आप लोगों को कुछ दंडित के तौर पर कुछ करवा सकते हैं। तो बहुत बार ऐसा होता है कि बहुत सारे जूनियर को खड़ा करके और बहुत रात तक यहाँ पे खड़ा रखा जाता है। तो यही था यहाँ पे आप लोगों को जो हम बताएं, आप लोगों को कैसा लगा ये वीडियो। और मैं आप लोगों को एक और बात बता देना चाहता हूँ कि ये जो है कॉलेज गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज किशनगंज, आपको किशनगंज जंक्शन से महज 10 से 12 किलोमीटर पे ये स्थित है। आप लोगों को अगर आना है तो आप यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल पश्चिम पाली एक जगह है, वहाँ से आपको यहाँ पे महेश भत्ता के लिए आपका टोटो मिल जाएगा अगर आप लोग आना चाहते हैं तो। इसका लोकेशन की बात हो गया, किशनगंज जंक्शन से आप महेश भत्ता में आ सकते हैं जहाँ पे इंजीनियरिंग कॉलेज स्थित है। तो आप लोगों को कैसा लगा ये यहाँ के स्टूडेंट से जो बातचीत किए, रूबरू कराए, कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और अगर आप लोग वीडियो को पसंद किए हैं तो वीडियो को लाइक करना नहीं भूलिएगा। और गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज वैशाली का वीडियो देखना चाहते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से जाकर देख सकते हैं। और इसी सीरीज को बढ़ाकर और हम अदर इंजीनियरिंग कॉलेज के बारे में भी बताएंगे। तो आप लोग वीडियो को लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखिए। तो आज के लिए इतना ही, अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।